अगर आप सोचते हो कि आपको व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है और आपके पास चंद चीज़ें लाजमी मौजूद होनी चाहिए, जिसमें से पहली कि आपके बहुत सारे दोस्त हों, सेकेंड कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, और थर्ड कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो, तो ये चीज़ें एक साथ लाना थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। और यही चीज़ इरफान भाई ने बताई, और वो भी मेरे पास नहीं है। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं, मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं, ना ही मेरे पास कोई डायलॉग्स है। मैं बताता हूँ मेरा दिन कैसे गुजरता है। हफ्ते में होते हैं 7 days और 7 दिनों में मैं करता क्या हूँ। अच्छा जी, तो मंडे से सैटरडे मैं करता क्या हूँ। सबसे पहले मैं सुबह उठता हूँ 7:30 से 8 बजे। उठने के बाद फ्रेशन अप होता हूँ, और फ्रेश होने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने कॉलेज के लिए बैडमिंटन खेलने के लिए। तकरीबन 1 बजे तक मैं बैडमिंटन खेल के आता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं अपने कपड़े प्रेस करता हूँ, फिर कपड़े निकालने और प्रेस करने। कपड़े प्रेस होने के बाद मैं अपने जिम के लिए रेडी होता हूँ और निकल जाता हूँ जिम के लिए। जिम से आता हूँ मैं कोई 4 बजे, और आने के बाद मैं रेडी होके निकल जाता हूँ कोचिंग, और वही कपड़े पहन के जो मैंने सुबह प्रेस किए थे। कोचिंग से मैं फारिग होता हूँ यूजुअली कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है। आने के बाद मैं थोड़ा सा रेडी होके, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करके, फिर खाने के लिए कुछ लेने या पीने के लिए, देन गेट रेडी जो को पढ़ाने के लिए निकल जाता हूँ। तकरीबन रात को 11 से 12 बजे मैं फारिग होता हूँ। और आई नो ये लाइफ थोड़ी ज़्यादा टफ है और मुश्किल है व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए और बाकी चीज़ों को बताने के लिए, बट आई होप आप सब लोग इस चीज़ को पसंद करेंगे। फिर देर किस बात की, मिलते हैं कल।